अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं बनाने वाली हूँ मायनीज। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल, और दो अंडे लिए हैं, ये काली मिर्च ली है, और नमक, ये कुछ लहसुन की गुलियाँ ली हैं। ठीक है, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का, ये बहुत मज़े की बनती है माशाल्लाह। तो बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये देखें, अंडे मैंने प्याली में डाली हैं, अब इसमें जूसर में जग में डाल लूँगी। ठीक है, तो फिर साथ के साथ ही बनती रहेगी, साथ के साथ मैंने चीज़ें डाल देनी है इसके अंदर। तो ये देखिए, मैंने डाल दिए अंडे इसके अंदर, अब इसमें मिर्ची डालने लगी हूँ। इसमें नमक और मिर्च साथ ही डालना है, बाद में फिर इसके अंदर मिक्स नहीं होती अच्छे तरीके से। ये नमक डाल दिया, अब इसमें डालें लहसुन की गोलियाँ, तो अब मैंने ग्राइंडर को चला लेना है। ठीक है, इसे अब बना के रख लें, इसे 4 से 5 दिन तक ये आराम से चल जाती है। ठीक है, बहुत मज़े की बनती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे भी और बड़े भी। मैं तो 2 दिन की बनाती हूँ बस, जब ख़त्म हो जाती है फिर दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि इतनी देर तो कोई नहीं लगती इसे बनाने में। ठीक है, तो अब चला लेते हैं ग्राइंडर। अब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डालना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल, फिर ये बन जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। गाड़ी में नीचे भी हो चुकी है, ऐसे डालना जिसमें जरा जरा से। तो ये देखिए बन चुकी है बिल्कुल। तो ये देखिए जी, बन चुकी है ये, ज़रा ज़रा से डालना था इसके अंदर कुकिंग ऑयल। ये देखें, तो ये बहुत मज़े की है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसको अब मैंने निकाल लेना है बाहर, इसको आप 4 से 5 दिन आराम से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, आज की मायनीज़ तैयार हो चुकी है। ये देखें, नमक मिर्च जो भी है ना, वो अंडे के साथ ही डालना है, बाद में डालेंगे तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होता फिर इसके अंदर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की है, बहुत पसंद करते हैं सब। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। ठीक है।